समाज सेवियों ने भगवान श्री राम की निधि समर्पण शोभा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह करने की अपील की। राम मंदिर निर्माण को लेकर देश भर के लोगों में भारी उत्साह है। वहीं राम मंदिर निधि समर्पण अभियान को लेकर जागरूकता भी की जा रही है। वहीं ब्रज नगरी में निधि समर्पण रैलियों के माध्यम से लोगों को निधि समर्पण के लिए जागरूक कर रहे हैं। इसी के चलते श्रीधाम वृंदावन में श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण रैली का आयोजन हुआ। रैली में सैकड़ों की संख्या में राम भक्त मौजूद रहे और श्री कृष्ण की नगरी राम भक्तों के जयकारों से गूंज उठी। वहीं रैली में ब्रज की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। रैली में महिलाएं जय श्री राम के नारे लगाते हुए चल रही थी। वृंदावन के वरिष्ठ समाज सेवी संत महंत और नेता भी इस रैली में शामिल हुए, लोगों को निधि समर्पण के लिए जागरूक किया। वहीं इस मौके पर मथुरा वृंदावन नगर निगम के पार्षद वैभव अग्रवाल ने बताया कि काफी लंबे समय के बाद भारतवासी और हिंदुओं को राम मंदिर बनने का गर्व प्राप्त हुआ है। मनोज अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। जी वैभव जी, आज ये कार्यक्रम हुआ है आपका राम मंदिर समर्पण अभियान निधि का, तो किस उद्देश्य से रखा गया है? जय श्री राम। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद हर भारतवासी, हर हिंदू को एक गर्व का अनुभव मिला है कि राम मंदिर, जो कि बहुप्रतीक्षित अवसर था कि कब बनेगा, इंतजार खत्म हुआ है और राम मंदिर बनना प्रारंभ हो चुका है। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सभी हिंदू समाज के द्वारा देश के 5 लाख गाँव और 10 करोड़ परिवारों से संपर्क का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। यह कार्यक्रम 15 जनवरी से 23 जनवरी तक चलेगा। इसमें सभी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। इसी श्रृंखला में आपने देखा होगा कि वृंदावन के सभी वार्डों में, सभी बस्तियों में, सभी गलियों में, मोहल्लों में, घरों में छोटी छोटी रैलियां निकली थी, राम रथ यात्रा निकली थी। उसी कड़ी में आज वृंदावन नगर की राम रथ यात्रा स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के अवसर पर चुंगी चौराहे से प्रारंभ हुई है, जो कि पूरे नगर में भ्रमण करके चुंगी चौराहे पर समापन हुआ है। पूरा ही वृंदावन राम में हो रहा है। हजारों स्थानों पर पुष्प वर्षा हुई है, सैकड़ों स्थानों पर आरती हुई है, हजारों लोग पदयात्रा में शामिल हैं। सभी वृंदावन वासियों को संदेश देते हुए चल रहे हैं कि 15 से हम आपके द्वार आएंगे। आपका भगवान राम के प्रति जो भी समर्पण हो, जो भी भाव हो, आप अपने मन से दीजिए, मन से दीजिए, मन से दीजिए। जो भी आपकी इच्छा हो भगवान राम के मंदिर में सहयोग करने की, वो दीजिए। उसी के लिए एक राम यात्रा आज निकली है, जो कि पूरे वृंदावन में निकल रही है और पूरे वृंदावन में राम का माहौल हो गया है। छतों पर सैकड़ों लोग, बाजारों में, गलियों में, मोहल्लों में, हर जगह स्वागत हो रहा है। हजारों की संख्या में लोग आज रैली में शामिल हुए हैं।